सुबह के 8 बज चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टॉप 10 खबरें देखने के बाद अब वक्त हो चला है बड़ी खबर का। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में हार के बाद अब गलती मानी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए किस तरह से अपनी गलती मानी है अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको हम दिखाएंगे। ट्वीट कर कहा, हमसे गलती हो गई एमसीडी चुनाव में हार पर। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 2 दिनों में अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों से मिला हूं, सच्चाई सामने है, हमने गलती की है और हम आत्मचिंतन के जरिए इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त सफाई देने का नहीं, काम करने का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों से उन्होंने शपथ भी दिलाई है कि वो अपनी पवित्र पार्टी छोड़कर कहीं चले ना जाएं। फिलहाल इस वक्त नलिन कोहली साहब हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि हां, हमने गलती की जिसका खामियाजा हमें एमसीडी चुनाव में हार के जरिए पाना पड़ा है, इस पर टिप्पणी आपकी। पहली बार ऐसा कुछ आया नहीं, ये पहली बार तो नहीं है, कई बार इससे पहले भी उनके ट्वीट आए हैं, वीडियोज आए हैं जब पहली बार सरकार गई थी उसके बाद भी। लेकिन इसमें जो सत्य को देखना चाहिए वो एक है घबराहट। केजरीवाल जी को हाथ से सत्ता जाती हुई शायद उनको महसूस हो रहा है। कल न्यूज में रिपोर्ट आया कि उनकी पार्टी के अंदर में भी एक विद्रोह की एक स्थिति शायद पैदा हो रही है नहीं हो रही हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स आज बहुत छपे हैं पेपरों में। उसको सब देखते हुए उनको लग रहा होगा कि मैं शायद मुख्यमंत्री ना बनूं। क्या केजरीवाल जी अपने शब्दों पर कभी कायम रहे हैं? उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, पूरी दुनिया ने, दिल्ली के हर व्यक्ति ने रेडियो पे उनके एड सुने, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। जिसे अपने बच्चों की कसम खाते हुए शर्म ना लगे, उसके बिल्कुल विपरीत करके कांग्रेस के साथ सरकार कर ले, कैसे व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास किया जाता है? अन्ना हजारे के पूरे मूवमेंट पे चढ़ के जी आए, हम उसके बाद राजनीतिक जो इन्होंने चीजें लोगों के सामने रखी, क्या कायम किया है पिछले 2.5-3 सालों में? तो केजरीवाल जी छूट के एक पुलंदे बन चुके हैं, अपने ही शब्द पे वो खड़े होने को तैयार नहीं है। शायद उनको लग रहा है उनकी पार्टी उनको हटा देगी, किसी और को मुख्यमंत्री शायद बना ले, जो मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है। तो इसीलिए घबराहट में आकर कह दिया जी मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे लगता है कि अब हमें काम करना चाहिए। तो 3 साल से कर क्यों रहे? आरोप प्रति आरोप और बहानों की राजनीति से बाज अभी तक तो आए नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें नलिन कोहली जी आपने कही हैं। आपका कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको हटाकर किसी और को अपना नेता आम आदमी पार्टी चुन सकती है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल अब अपनी गलती मान रहे हैं। और हैरानी की बात यह भी है, दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से हार का सामना उन्हें करना पड़ा, चाहे पंजाब गोवा हो या फिर एमसीडी के चुनाव हो, हमेशा उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, लेकिन इस बार वो अपनी गलती मान रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, इस बार तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया, इस बार कहा गया कि गलती हमने की और उसी का ये खामियाजा है। चित्रा, शायद इसकी वजह यह है क्योंकि जो है जैसे ही एमसीडी चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही पार्टी में एक तरीके से दो धड़े से नजर आ रहे हैं। कुछ लोग खुलकर के कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हाँ, हमको ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, उसमें अलकलामा है, उसमें भगवंत मान है, उसमें कुमार विश्वास है, इस तरीके के नेता भी जो है लगातार जो कैमरे के सामने आए हैं, कपिल मिश्रा है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कि पार्टी की जब अभी जो अंदरूनी बैठक हुई है वहां पर भी उन्होंने माना है कि हमको इन सारे मुद्दों को ना उठा करके ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता हमसे दूर हुई है। तो यानी कि साफ तौर पर पार्टी का जो दूसरा धड़ा है जो कि केजरीवाल के खिलाफ या जिस तरीके से पार्टी की रणनीति रही है एमसीडी चुनावों के दौरान या उससे पहले भी, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई है उसकी जो है लगता है केजरीवाल को बात अब समझ में आई है। और शायद इसी वजह से जो केजरीवाल एमसीडी चुनावों के बाद से ही या उससे पहले से ही अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे, ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे, आज उन्होंने माना है कि जनता उनसे कहीं पर कटी है और अब कोशिश होगी जनता को दोबारा साथ मिलाने की। शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। यह हम आपको दिखा भी रहे हैं, ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से और पहली बार ईवीएम पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा गया। सबसे हैरानी की बात यही है क्योंकि लगातार आप देखते हुए चले आ रहे हैं आत्मचिंतन की बजाय सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार ट्वीट के जरिए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती की, उसी का यह खामियाजा है और अब इस कमी को हम दूर करेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।